हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तुम्हारा मॉर्निंग मॉर्निंग अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? सो के अभी उठे हो क्या? रात को सो के अभी उठे हो? गलती से निकल गया। अच्छा, मुंह से निकल गया। तो देखो भाई, आज फाइनली एक और कैंपिंग बनाने के लिए हम आ गए। बीच में थोड़ा तबीयत खराब हो गया था और एक टेंट का रिव्यू भी कर लिया था हमने। प्लेस मस्त है कि नहीं बोलो? क्रीक के पास, झरने के पास आए हैं क्योंकि समर का मौसम, गर्मी का मौसम बहुत है। पहले सामान उतार देते हैं, धीरे धीरे या साइड में रख देते हैं। हाँ, रख लो। गर्मी में ना हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ ऐसे क्रीक के पास, झरने के पास रहने के लिए। रीज़न ये है, आपको पानी ना कम कैरी करने से भी हो जाता है, नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा पानी कैरी करके आप पहाड़ी चढ़ना ये सब करना मुश्किल है ना। यहाँ पे धोने के लिए एटलीस्ट कुछ पानियाँ मिल जाए, बाकी पीने के लिए हमको हो जाएगा, खाना वाना पकाने के लिए भी हो जाएगा, यही पानी इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे साफ झरने की पानी है ये, खाना बना सकते ना इसमें भी। और बारिश होगा क्या आज? बादल देखो, ऊपर तो काफ़ी बादल है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बारिश, पता नहीं मुझे भी भाई बारिश होगा या नहीं, प्रेडिक्शन तो नहीं है। अगर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, एंजॉय कर लेंगे हम लोग, आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर लोगे, है कि नहीं? तो फटाफट सेटअप कर ले फिर। हाँ चलो, लगाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ऑलरेडी ऑलमोस्ट काम हमारा ख़त्म हो गया। अभी बस ये पोल लगा रहे हैं, अभी ये सामने वाला शेड उठा लेंगे ऊपर, फिर हमारा काम ख़त्म, बाकी का काम स्टार्ट करेंगे। इसको रस्सी बांधना पड़ेगा ना। लाए हो? हाँ लाए हैं। तो गाइस देख सकते हैं, काम हमारा फिनिश हो गया टेंट वेंट सेटअप करने का। लेकिन जैसे कि मैंने रिव्यू में आपको दिखाया था, ये टेंट ना थोड़ा छोटा टेंट है, मतलब 2% टेंट है ना भाई? हाँ भाई, इसीलिए पहले ना मैट वेट सब सजा लेते हैं, नहीं तो बाहर काफ़ी सारा सामान रह जाएगा हमारा, रखने के लिए जगह नहीं। रात में सोते वक्त तो बैग वैग यहाँ पर कहीं पर सेट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। मैट वेट अंदर डाल देने से, बाहर सामान कम रहने से ही हमको अच्छा है। अगर अचानक से बारिश वारिश कुछ हो भी जाए तो फटाफट से बैग वैग लेकर अंदर घुस सकते हैं ना हम। हाँ, इसलिए मैट वेट डाल देंगे। ये भाई कंपनी भी ना भाई, पूरा नाप के देती है लगता है टेंट, पूरा दो ही मैट पूरा देखो 100% फिट आ जा रही है, दो मैट देख रहे हो ना पूरा, मतलब स्केल वेल डाल के पूरा टेप वेप डाल के नापा था लगता है कंपनी ने। भाई 2% से थोड़ा एक्स्ट्रा 5-6 इंच बढ़ाने से क्या जाता तुम्हारा यार, है? एक्स्ट्रा पैसे 2-4 रुपए ले जाते भाई हमसे, हम दान में दे देते।
करके अभी फिलहाल रख लेते हैं। मेरे हिसाब से इतना भी नाप के नहीं देना था, थोड़ा सा 5-6 इंच इधर उधर हो जाता, एक्स्ट्रा दे देते तो क्या हो जाता था भाई। भैया तुम ये टेबल सेट कर लो, मैं स्टोव सेट कर लेता हूँ। हाँ भाई, जैसे दोस्तों आज एक सरप्राइज है, एक और सरप्राइज है। ये टेंट रिव्यू करते वक्त मैंने कहा था हमने 2-4 चीज़ें साथ में मंगवा लिया है एक साथ, वही ये स्टोव। टेम्पिंग मून का एक नया स्टोव इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ ये गैस नया कैनिस्टर, तो इसके ऊपर रख के आज पकाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं पकाना है, कॉफ़ी बनाएंगे। देखिए नया चूल्हा, चलिए इसको अभी सेट करते हैं। अभी हो गया ऑलमोस्ट, इसको ऐसे नीचे से सेट कर लेंगे। देखो हो गया ना चूल्हा रेडी। पकड़ो भाई, तो स्नैक्स में क्या खाएंगे? बिस्किट खाएंगे? पार्ले जी बिस्कुट बिस्कुट कितना खाओगे भाई? एक नया आइटम लाया हूँ मैं। क्या लाए हो? देखो भाई, जैसे मैं फिर नाली नाली नली लाए हो। वो भी हल्दी हल्दी। अरे वाह। चलो, हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हो तुमने। हाँ भाई, कुछ ना कुछ नए लाते हो। हाँ। चलो तुम्हारा बारन कलर को। अरे ये तो मैच हो गया पूरा, इसीलिए तभी मैं पता नहीं लगा पा रहा था। होपफुली हमारे ऑडियंस को भी पसंद आएगा ये। कैसे खाते हो भाई? बचपन में मैं खाया करता था ऐसी उंगली में लगा के, उंगली चबाया जाया करता था मैं। ऐसे ही खाओ भाई, मजा आएगा। पिछले दिन बचपन के दिन याद आ जाएंगे। सच ही बोल रहे हो। बचपन का प्यार तू जिस। अब गाना मत गाओ यार, ये बेसरा टोन में नहीं सुन सकता। चलो भाई, उंगली में ऐसे घुसा दो। तो बड़ा बड़ा आंगठी है, ये छोटा छोटा आंगठी भी निकल। अच्छा ऐसे। देखो उंगली में चबा जाना फिर। चलो ट्राई करते हैं। टेस्टी है। अच्छा ना? मस्त है यार। तो थोड़ा कॉफी भी थोड़ा पी। अभी एक बात पूछूं? पूछो भाई। ये बताओ, हाँ, $35 का कैंपिंग मून का नए स्टोव में बनाया हुआ कॉफ़ी तुमको कैसा लग रहा है? बढ़िया है भाई। बढ़िया है? बढ़िया। मैंने सोचा तुम बोलोगे कॉफ़ी तो कॉफ़ी के जैसे ही लगेगा, और कैसे लगेगा भाई, चाहे जिसमें बनाओ। मस्त लग रहा है भाई कॉफ़ी, वो चूल्हे की वजह से नहीं, कॉफ़ी की वजह से। चूल्हा भी मस्त है भाई। हाँ चूल्हा मस्त है, ये तो एक बात है। मतलब कभी इमरजेंसी में रेन कैंपिंग वगैरह कर रहे हो ना, तो टेंट के अंदर मस्त से खाना वाना पका सकते हैं इससे। देखो ये फोल्ड करके भी ऐसे रख सकते हो, नहीं तो ऐसे निकाल के भी रख सकते हो। ठीक है? नहीं, अंदर पकाने में आसानी होगी हमको टेबल के ऊपर ये गैस में सेट करके। वो वायर वायर लगा के अंदर काम करना थोड़ा मुश्किल होता था पहले, अभी थोड़ा आसानी होगी हमको। उंगली चबा गया अरे तो। देख के खाना बना बहुत हो गया स्टाइल यार, बचपन के दिन गए। अब निकाल लेता हूँ मैं। चलो इसके साथ बिस्किट भी खा लो यार, इतने मुश्किल से लाया हूँ उठा के, 50 kg का बिस्किट है। हाँ ये पहले खा लूँ उसके बाद खाओगे? बिस्किट खाऊंगा भाई। ठीक है, पूरा ग्लूकोज वाला एनर्जी वाला पार्ले चलाया हूँ तुम्हारे लिए। तो गाइस आपको, आप बोलिए आपको कैसा लग रहा है ये टेंट, ये सेटअप हमारा, पसंद आ रहा है कि नहीं, लुक्स कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये नली के बारे में बताइएगा भाई, कभी आपने भी खाया है क्या ऐसे ये सब चीज़ें, खास करके बचपन में
और अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो तो जरूर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट्स में। तो अभी ना फटाफट से ये कॉफ़ी का तामझाम सब ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद फायर पिट सेटअप करना है, वो भी चूल्हा सेटअप करेंगे। आज हम क्या बनाएंगे, भेज बनाएंगे थोड़ा। हाँ आज नॉनवेज नहीं है, भेज बनाएंगे। बहुत नॉनवेज खा लिया बीच में यार, पेट वेट सब गड़बड़ हो जाता है डेली खाते हुए भी। तो वेज में हम मशरूम लाए हैं, उसके साथ कुछ नया आइटम ट्राई करेंगे। और रात को मेन डिनर जो होगा वो पास्ता बनाएंगे ना। हाँ पास्ता को भी कुछ अलग तरीके से पकाएंगे, देखते हैं क्या बनता है हमारे हाथ से। तो ये सब फटाफट से ख़त्म करके फायर पिट वगैरह सेटअप कर ले। तो दोस्तों अभी कॉफ़ी वॉफी तो सब ख़त्म हो गया, अभी पकाने के लिए सब रेडी कर रहे हैं। सब्जी वब्जियाँ सब काट लेंगे हम। भाई हमारे देखो लकड़ी काट रहे हैं वहाँ पर। और एक बात है, ये हमारे जो भाई है फायर पिट लाना अपने साथ भूल गए, तो हमको ना अभी सर्वाइवल टाइप का मैनुअल चूल्हा बनाना पड़ेगा, नेचुरल चूल्हा। इसीलिए यहाँ पे पत्थर वत्थर है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी हमने कैंपिंग किया हुआ था, चूल्हा बनाया था देखिए। तो इमरजेंसी के लिए वही चूल्हे में ही आज खाना वाना पका के बनाना पड़ेगा। तब तक मैं क्या करता हूँ, जब तक वो लकड़ी काटते हैं मैं सब्ज़ियाँ निकाल के काटना वाटना स्टार्ट कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। चलिए दोस्तों जब तक उनका लकड़ियों का काम चल रहा है तब तक सब्जियां काट लेते हैं हम। ये देखिए मशरूम लाए हैं, इसको बाद में धोना पड़ेगा। क्या क्या लाए हैं सब्जी देखते हैं। ये एक साथ में मूली है, इसको भी बाद में काटेंगे। फूल गोभी है, टमाटर प्याज ये तो रेगुलर होते ही हैं हमेशा, और हरी मिर्च बस, और एक पीस अदरक, ये कभी चाय बनाने में इस्तेमाल करेंगे, फिलहाल रहने देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये मूली वगैरह ये सब काट लेता हूँ। आवाज़ सुन रहे हैं, बारिश स्टार्ट हो गया। देखो सब्जी वब्जी काटना कूटना सब चल रहा था, अचानक से बारिश। चलो थोड़ा दिखाता हूँ बाहर, हड़बड़ी से बैग वैग सब अंदर ले लिया हमने। दोस्तों बाहर आए ही थे, बारिश रुक गई, अभी बंद हो गई बारिश, बस थोड़ा थोड़ा ही हुआ, लेकिन बादल ना भी है, पूरा काले काले बादल है ऊपर, कभी भी फिर से टपक सकती है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है तब तक बाकी का काम ख़त्म करते हैं, काटना मशरूम काट रहे थे ना आधा है। तो लकड़ी का काम ख़त्म हो गया तुम्हारा? हाँ लकड़ी का काम तो ख़त्म हो गया। तो बारिश तो अभी रुकी हुई है। हाँ एक काम करते हैं, अभी तो बाहर ही चूल्हा सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि फायर पिट तो भूल गए घर में, पत्थर का चूल्हा बनाना पड़ेगा। हाँ। तो एक काम करते हैं, जी जितने सारे सब्जियां मैंने ऑलरेडी काट लिया है उन सबको लेके उस चूल्हे के पास ले जाओ। हाँ। बाकी मैं मशरूम काट के लेके आता हूँ वहाँ पे। हाँ। पैन वैन सब लेके आऊँगा, मसाले वगैरह स्पाइसेस सब, वहाँ पे ही खाना वाना बना लेंगे एक साथ, है कि नहीं। हाँ। फिर से बारिश होगी तो देखते हैं, फिर से अंदर लाना पड़ेगा, बाद में देखेंगे। मैं ले जाता हूँ। हाँ ये मूली गोभी प्याज वगैरह सब ले जाओ एक एक करके। अब तक मैं सारे मशरूम्स काट लेता हूँ। हो रहा है भाई? हाँ हो रहा है भाई। चलो मैं सब स्पाइसेस वगैरह तेल मशरूम सब ले आया। तो ये जो भाई साहब ये काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं ना, ये एक नए तरीके से आज आग लगाएंगे, बुशक्राफ्ट तरीके से।
रुकिए दिखाता हूँ। तो मैंने जो आपको उस दिन कहा था रिव्यू करते वक्त, काफ़ी सारे चीज़ें हमने यूएस से मंगवाई है, तो ये भी एक चीज़ देखिए। ये एक तरह का मैग्नीशियम है, इसको ना ऐसे रगड़ रगड़ के निकालना पड़ता है छिलके जैसा। उसके बाद हमारा जो ये फ्लिंट है ना, फायर फ्लिंट, इससे आग जलाया जाएगा। तो ट्राई करते हैं कैसे जलता है। एक बार तो घर में ट्राई किया था, जला था। अभी रगड़ रगड़ के इसके छिलके निकालेंगे, उसके ऊपर ऐसे आग फेंक के लगाएंगे, फिर लकड़ियाँ जलती है कि नहीं पता चलेगा। बुशक्राफ्ट तरीके से, मतलब अमेरिकन स्टाइल, वो सब तो ऐसे ही करते रहते हैं। हालांकि बारिश वारिश हो रही हो ना, सर्वाइवल के लिए आग लगाने के लिए बहुत अच्छा है ये चीज़। अभी माचिस वाचिस वगैरह काम नहीं आ सकते, कभी कभी भीग जाएंगे तो लाइट नहीं होगा ना, आग नहीं जलेगा। और गैस व्यास भी ख़त्म हो जाएगी तो गैस लाइटर भी नहीं जलेगा। लेकिन ये भाई साहब बहुत दिन चलता है। चलिए लकड़ियाँ तो छिल गई, अभी इसको भी छिलते हैं। देखिए कितने सारे मैग्नीशियम हो गए यहाँ पे, अभी इससे आग जलाएंगे। लगा ले भाई, लगा लो भाई। मस्त आग जल गया भाई। हाँ, तो आखिरकार सक्सेस हो ही गए। तो भैया फाइनली फायर फ्लिंट से, इस मैग्नीशियम रॉड से जो छिलके निकाले, उससे आग जलाने में सक्सेस हो गए हम, कामयाब हो गए। अभी वहाँ दूर दूर ना बिजली चमक रही है, कभी भी अचानक से फिर से बारिश आके आ धमक सकती है हमारे सर के ऊपर, है कि नहीं। हाँ, तो फटाफट से कुकिंग का प्लान करेंगे, जो भी कुछ कुछ आइटम बना लेंगे। मेजर आइटम बना लेंगे तो टेंशन नहीं होगा, क्योंकि बाद में टेंट के अंदर घुस के भी ना अपने गैस में भी बाकी का छोटे मोटे कुछ कुछ जो खाने का फूड रहेगा वो पका सकते हैं, है कि नहीं। हाँ। मेजर खाना बस हो जाए बाहर चूल्हे के साथ। चलो अभी इसको, इस आग को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे, शिफ्ट। हाँ, कर दे। हाँ। कैसे करोगे वो देखो, पत्थर को निकल के यहाँ से डाल देंगे। हाँ, धीरे धीरे इसका आग वहाँ पे शिफ्ट करना होगा। देखो बुझ ना जाए। हाँ, अभी नहीं बुझेगा, जल गया ना। अच्छा, जल गया। देखो कितने अच्छी तरीके से हम पत्थर के ऊपर आग जलाए, पहले सेटअप किया हमने, उसके बाद वहाँ से यहाँ तक के शिफ्ट कर लिया। अभी ये छिलके वगैरह लकड़ी वगैरह सब डाल के मस्त आग जला लेंगे, फिर मस्त फ्राई करके खा लेंगे, है कि नहीं। बाबूराव को याद कर रहे हो ना। अरे भाई आँख में धुआं गया। ओहो, खिसक काहे रहा है भाई, बीच में रुक। मस्त स्प्रे हो रहा है तेल भी, देखो आग पकड़ लेगा, डर है मुझे। हो जाएगा, प्याज डाल लो भाई, अभी आधा प्याज डालना, बाकी का वो पास्ता के लिए बचा के रखना। अरे गया ये तो नीचे, पकड़ना पड़ेगा इसको। डालो भाई और थोड़ा प्याज डालो। हाँ हो जाएगा, एक डाल लो, बहुत बढ़िया। चलो प्याज तो फ्राई हो गए, अभी टमाटर भी डाल लो। टमाटर सब डाल लो, टमाटर भी आधा डालो भाई। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। अभी स्पाइसेस रेडी है ना अपना, मसाले पाउडर। हाँ। मिर्च वगैरह। हाँ। वो भी थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे। तो भैया मशरूम डाले? हाँ डाल दो। कितना डालो भाई, देखो देख के थोड़ा थोड़ा डाल लो। क्या धुआं है यार, वाह। तो भैया हो तो गया,
अभी वेजिटेबल्स भी डाल दो, गोभी और मूली। अभी मूली डाल दो। अभी इन सबको मिल के अच्छी तरह से थोड़ी देर पकने देंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। तो अभी तो ये पक रहे हैं, अभी कुछ देर क्या करें। मैं एक आइडिया दूँ? हाँ बोलो। यहाँ पर भी नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ा स्ट्रांग है, थोड़ी देर लाइव जाएं क्या, देखते हैं ऑडियंस में से कौन कौन ऑनलाइन है, थोड़े इंटरेक्ट करते हैं, है कि नहीं। हाँ तो भैया तेल डाल लूँ क्या अभी? हाँ डाल लो भाई, गर्म तो हो गया। यहाँ पर ला के डाल लेता हूँ, नहीं तो आग जलेगा। तो दोस्तों अभी वीडियो में तो आप लोग नहीं देख पाओगे, वो मशरूम वगैरह जो हमने पकाया अभी वो उतार दिया है, क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए लाइव गए थे। थोड़ी देर नहीं, एक्चुअली ज़्यादा ही देर हो गया हमको। कितना है भाई? करीब 51 मिनट्स हो गया ना, 51 मिनट्स तक हमने लाइव किया। तो लाइव में इतना घुल मिल के रह गए ना, याद ही नहीं चला, फिर बाकी का भी फिल्म करना है, तो इसलिए उसी बीच में ही हमने वो निकाल लिया था। अभी बस थोड़ा पास्ता पका लेंगे, उसके बाद हमारा डिनर कंप्लीट रेडी हो जाएगा। वो हमारा स्पैचुला किधर गया? ओ वहाँ है, दे दो मुझे। तो टमाटर प्याज वगैरह डाल लो भाई सब। बहुत बढ़िया, हाँ डाल लो सब। हरी मिर्च डालो क्या? हाँ डाल लो, हरी मिर्च भी डाल लो। अभी ये ना बस थोड़ा सा भून लेंगे इसको, थोड़ा सा प्याज पक जाए उसके बाद पास्ता डाल लेंगे। पास्ता को भी थोड़ा भून लेंगे, फ्राई जैसा बना लेंगे, उसके बाद फटाफट से वो जो करी है उसको मिला के खा लेंगे। अभी लाइव बनाते बनाते ना 10:30 हो गया करीब, कुछ खाए पिए हैं नहीं हम, जो बस स्नैक्स खाया था कॉफ़ी पीते वक्त वही खाया था। अभी इसको ख़त्म करके खाना वाना खा के टेंट के अंदर जाके सो जाना है भाई। तो भाई प्याज भून गए, अभी टमाटर डाल लूँ? हाँ डालो, क्या करें, अब तुम तो डाल नहीं रहे, मैं ही डाल लेता हूँ भाई, अकेले बच्चे को छोड़ दिया तुमने। डालो भाई। चलिए भाई पास्ता भी डाल लेते हैं अभी। अरे भाई गिर गया थोड़ा सा, क्या करें, अब गिर गया तो उठा नहीं सकते। ये जगह थोड़ा छोटा हो गया यार, गिर रहे काफ़ी। तो दोस्तों देख सकते हैं पास्ता वास्ता सब रेडी है। मैं ये तंदूरी मायो इसके ऊपर डाल दूंगा थोड़ा, आप करी वरी सब परोस लो। हो जाएगा क्या इतना? हाँ हो जाएगा। तो भैया खाना रेडी है, खाने के लिए तैयार हो? हम भी तैयार हैं, होपफुली आप लोग भी तैयार होंगे। चख के देखो भाई कैसे लग रहा है मौसम। चलो तो मैंने किया है ना मशरूम, तुमने किया है वो कल पता चलेगा वीडियो में। वैसे मायनीज वगैरह डाला है, मिला लेता हूँ थोड़ा सा। क्या टेस्ट है यार, मज़ा आ गया। तंदूरी मायो के साथ पास्ता बढ़िया है भाई, सॉलिड। मैं सोचता था मशरूम बुरा लगेगा, अब मशरूम अच्छा है। अच्छा है, अच्छा मैंने टेस्ट नहीं किया अभी तक, चख के देखो। चलो चखता हूँ। मस्त यार मशरूम भी, अच्छा से पक गया ना ये। अच्छे से पका है। मूली वूली भी हमने जो डाला है ना, उसके फ्लेवर के वजह से और भी टेस्टी लग रहा है। दोस्तों अभी टेंट के अंदर हम आ चुके हैं, सोने के लिए तैयार हैं। डिनर विनर सब अच्छे से कर लिया, टेस्टी भी था, अच्छा लगा। जो भी पकाया वेज पकाया था आज, मशरूम वशरूम सब अच्छे से पक गया, हमारा पास्ता वास्ता भी सब अच्छे से पक गया, भून गया अच्छे से, कोई दिक्कत हुआ नहीं। बीच में मैंने लाइव भी कर लिया था, हम दोनों काफ़ी बातचीत करते हुए, इतना अच्छा लग रहा था ना अपने फैमिली मेम्बर से, मतलब हमारे सब्सक्राइबर से, हम उनको फैमिली मेम्बर मानते हैं ना, तो जैसे फैमिली में बातचीत करते हुए टाइम निकल जाती है ना, गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता टाइम का। तो वैसे ही हमको पता नहीं चला 51 मिनट्स कब गुजर गए। मज़ा आया आप लोगों के साथ, वैसे काफ़ी सारे कॉमेंट्स थे, काफ़ी सारे प्यार थे आप लोगों के, बहुत अच्छा लगा हमें, दिल से सबको शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी देखिए ये टेंट ना 2% टेंट है, बहुत ही कोजी टेंट है, मतलब छोटा सा प्लेस है, देखिए बस दो ही मेट
सवा रहे हैं। ये लाइट थोड़ा लगा लो भाई, एक नया लाइट लाया था, नया तो नहीं पुराना लाइट है, काफ़ी दिन हो गया इस्तेमाल नहीं किए थे, इसको लगा लेते हैं। लटकाने का फीचर तो है ना यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे वो है, ये क्या है, ये जाली लगा लिया है, ये अंदर तो नहीं जाएगा। जाली निकाल दो। हाँ निकाल दो भाई इसको। चलिए पूरा का पूरा टेंट का मुआयना करवाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए इस तरफ कैसे जुगाड़ करना पड़ रहा है, देख रहे हैं। एक बैग, पहला बैग, उसके ऊपर एक और बैग, बैग दो बैग, यहाँ पे एक और बैग। ये बैग इस बैग के अंदर था, ये खाना पीने की चीज़ें हम हमेशा रखते हैं इसके अंदर, और लाइट वगैरह सब इसके अंदर रखते हैं, तो इसको भी निकालना पड़ा। इसलिए अभी इसको पैरों की तरफ हमने ढकेल दिया है, अभी यहाँ इस मैट में हो जाएगा। अरे भाई टेंट कंपनी 6-7 इंच और बढ़ा लेता क्या जाता भाई तेरा भाई 100-200 रुपये ले लेता हमसे तो अगली बार 2% टेंट बने तो ऐसे बनाना, 5-6-7 इंच थोड़ा ज़्यादा हो, बैग वैग रख सके, थोड़ा कंफर्टेबल हो सके। 2% बोल के ये 1% का टेंट पकड़ा देते हैं, ये मुझे तो लगता है 1% टेंट है, ये 2% नहीं है। अभी वो जो 3% वाला है हमारा जो 4 क्लास का, वो अच्छा टेंट है। तीन लोग मतलब कंफर्टेबली तो नहीं सो सकते, 2 लोग कंफर्टेबली सो सकते हैं, उसके साथ ये बैगेज वगैरह आराम से रख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लाइट वाइट सब सजा के रखना, कैमरा वैमरा रखना सब मुश्किल हो रहा है थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको यहाँ पे रख लूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कमेंट्स पढ़ेंगे ना भाई। गर्मी बहुत है मैं बता दूँ, इसीलिए अभी ओढ़ने ओढ़ने का प्लान तो मेरा बिल्कुल भी नहीं। तुम ओढ़ोगे क्या कुछ? नहीं आज नहीं ओढ़ूंगा। आज इसलिए खोले के अंदर घुसोगे ना, फिर निकलोगे नहीं वहाँ से, तुम चिपक जाओगे उसके अंदर। खोले में ही सो जाऊंगा, रात में ठंडी लगे तो स्लीपिंग बैग निकाल के और ओढ़ के सो जाओगे। बस वैसे ही करेंगे, ऐसे ही सो जाएंगे, आराम से मस्त नींद मारेंगे। सुबह सुबह अगर नींद ठंड लगती है ना, तभी स्लीपिंग बैग वगैरह देखते हैं, नहीं तो वैसे भी 4-5 बजे तो हम निकल जाएंगे वहाँ से, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं तो चलो फटाफट से आप लोगों के कमेंट्स थोड़ा पढ़ते हैं पिछले कैंपिंग वीडियो से। तो चलिए पहला जो कमेंट आया है, जस्मिता बेहरा, वेरी नाइस कैंपिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी जो दूसरा कमेंट है वो लिखते हैं सुशील बुरतकर जी, क्या सही डिश बनाते हो आप, देखते देखते भूख लग जाती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी। ट्रिप द लाइफ लिखते हैं, जय जगन्नाथ, आई एम फ्रॉम ओडिशा, बहुत बहुत शुक्रिया, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ भाई। चौथा कमेंट लिखते हैं मनीष सिंह जी, वेरी नाइस वीडियो एंड प्लेस लुक वेरी अनटच्ड एंड डेंस जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत ही घना जंगल था वो, हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस था, नया प्लेस था, पहली बार वहाँ पे गए थे, कभी वहाँ पे कैंपिंग किया नहीं था हमने, लेकिन मज़ा ज़रूर आया हमें, होपफुली आपको भी आया होगा। चलिए अभी आज का आखिरी कमेंट, 5th कमेंट, संगीता मोहंती जी लिखते हैं, अच्छा है, थैंक यू सो मच आपको भी। तो हो गए भाई, अभी फटाफट से सो जाएगी क्या? हाँ सो जाएंगे। चलो मैं रखता हूँ फ़ोन को अभी एक साइड, यहाँ पे पॉकेट में, तुम पॉकेट में नहीं रखोगे हमेशा, पॉकेट पॉकेट करते रहते हो। पॉकेट में रख देता हूँ भाई। कौन से पॉकेट में, पेंट के पॉकेट में या टेंट के पॉकेट में? टेंट के पॉकेट में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो क्या करें, ये चाइनीज लाइट नहीं है क्या लाइट ये इंडियन लाइट है, वीडियो अच्छा लगे तो इंडियन लाइट बंद कर दोगे, है ना, है ना? नहीं, इंडियन की तरफ एक लाइक तो बनता है भाई। लाइक तो बनता है जी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, पसंद है तो और भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही था, क्या करिए, सो जाएं? सो जाते हैं, हमें विदाई दीजिए, टाटा, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगे तो इंडियन लाइट बंद कर दो भाई, ये बहुत काम का चीज़ है भाई, बहुत काम का चीज़, वो तो सही बात है। इसका फीचर दिखाओ, 1 मिनट रुकिए, अब देख ही रहे तो थोड़ा थोड़ी देर और देख लीजिए, ये ऐसे खुलते हैं, देख रहे हो ना, देखो, अरे निकल, हाँ निकल गया, है कि नहीं मज़ेदार, 5 स्टार हमारा इंडिया में तैयारी हुआ तो भाई हमें भी 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए भाई इंडिया का 5 स्टार लाइट है ना। ठीक है भाई, बंद कर दो अभी, बंद कर देते, बंद कर ऐसे फोल्डिंग, ये फोल्डिंग नहीं भाई, ऊपर बटन है ऐसे कैसे भाई, ऊपर बटन है देखो, ये ग्रीन वाला, हाँ वही वही, ये ग्रीन वाला, हाँ वही वही वही, ना येलो वाला, अरे दबा दो, दबा दो, दबा देंगे, हाँ दबाओ, अरे फिर से दबाओ, फिर से दबाओ भाई, और दबाओ, और दबाए, और दबाओ भाई, और दबाओ, कैसे दबाएंगे, हाँ अभी बंद हो गया भाई आखिरकार, वो बंद हो गया भाई, बड़ा वाला लाइट भी बंद कर दो, तुम्हारे पैरों के पास है भाई वो भी, हाँ बंद कर दो, लटका का है ना, ये फिर से जला रहे क्या? नहीं यहाँ लटका देंगे भाई, हाँ लटका दो फिर, लटका दे, हाँ लटका दो, आ बाप रे, आ
चलो भाई कृपा करके वो भी लाइट बंद कर दो, सो जाएंगे अभी, और पेशेंस नहीं है मेरे में, रात के 12 बज चुके हैं। हाँ हाँ बंद कर देता हूँ।